मैं हूँ इस समय वाराणसी के दाल मंडी में, जो बहुत ही बड़ा मार्केट है, मुस्लिम मार्केट, और यहाँ ईद की तैयारी जोरों शोरों से है। सारी दुकानें सज गई हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ आए बिना कोई शादी पूरी नहीं होती और कोई त्यौहार भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या तो आपके किचन से रिलेटेड हो, या आपको कपड़े की मार्केटिंग करनी है या आपको ज्वेलरी की मार्केटिंग करनी है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और एक से एक ज्वेलरी है यहाँ पर। भैया, ब्राइडल ज्वेलरी है क्या आपके पास, ग्रीन कलर की? नहीं। देखिए यहाँ कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी की दुकान है, और यहाँ पर बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, जहाँ पर महिलाएँ ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त दिख रही हैं। आप देखिए सारी जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मेरे को भी चलना मुश्किल हो रहा है। बहुत दिनों से मैं यहाँ आने का सोच रही थी। चप्पल भी यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मिलती है, और मैंने कहा ना यहाँ सब कुछ मिलता है। ये देखिए चूड़ियाँ हैं, बच्चों के कैप है, और अंडर गारमेंट्स है, टोपियाँ हैं, और आप चाहे ना तो चलते चलते अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर खाने पीने का भी खूब इंतजाम है। यहाँ देखिए सेवैयाँ मिल रही हैं जो अभी ईद में बनेंगी, सारे लोग खरीद रहे हैं, और यहाँ पर खूब सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी मिठाई मिलती है। मैं भी बहुत बार इनके यहाँ से मिठाई ले जाती हूँ, बहुत ही अच्छी मिठाई होती है यहाँ की। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे रिंग लाइट है, ये फ्लावर है, पर आपको सोच समझ के लेना होता है क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट और चाइना माल बहुत ज़्यादा मिलता है। दुकानें सजी हुई हैं, खाने पीने का भी आपको इंतजाम है। एक बार अगर आप यहाँ आ जाते हो तो आपकी शॉपिंग पूरी होती है। ये आपको सारे तरह के लैस मिल जाते हैं, और इसी गली में चिराग गली जो कि बहुत फेमस है, और उनके यहाँ पार्लर से रिलेटेड सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, मिलती हैं। तो हम लोग सभी पार्लर वाली उनके पास ज़रूर आते हैं। मैं भी आज वहीं के लिए निकली हूँ, आपको मार्केट का नज़ारा दिखाते हुए सोचा कि चलूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा ही रौनक है। देखो यहाँ जेंट्स के भी बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस मिल रहे हैं, बच्चों के लिए कुर्ते, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्रॉकरी सेट, कप वगैरह, और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ते भी मिल रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। ये दही वाले भैया हैं जिनके यहाँ से मैं अक्सर दही लेती हूँ, वो मुस्कुरा रहे थे। तो ये मार्केट की रौनक बहुत ज़्यादा है। ये बाबू हैं जो छोटी छोटी चीज़ों की बिक्री कर रहे हैं। मेरा यहाँ अक्सर आना होता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है पार्लर का। तो मार्केट बहुत अच्छी है, अगर आप कभी बनारस आइए तो इस मार्केट में शॉपिंग करने ज़रूर आइएगा। यहाँ एक चीज़ की और खासियत है, यहाँ खूब सारी बार्गेनिंग होती है। कोई चीज़ 10 बताया जा रहा है तो 50% डाउन करके 5 में वो मिल जाती है। और अब हम आ गए ये चिराग अली भैया की दुकान पर। इनकी दो शॉप है, एक सामने और एक इधर। देखिए आपको जब भी पार्लर से रिलेटेड शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनके पास बहुत सारी वैरायटी मिलती है। पार्लर से रिलेटेड ये सारा सामान रखते हैं, और बहुत अच्छे रेंज में भी रखते हैं, इनका रेंज भी बहुत अच्छा होता है। हमारे भैया हैं जो रिटेलिंग पे बैठते हैं। मैं भी यहाँ क्रीम लेने आई हूँ। भैया विजोन की क्रीम दे दो, फेयरनेस वाली, ये मेरे किसी क्लाइंट ने मांगा है, तो मैं भी वही लेने आई हूँ। इसे काफ़ी भीड़ यहाँ भी रहती है क्योंकि यहाँ पार्लर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देख रहे हैं आप, कुछ भी आपको चाहिए तो ये भैया के शॉप पर मिल जाती है। और क्या लगा काजल? इतनी गर्मी है, प्राइमर स्प्रे वाला नहीं रखे हैं? स्प्रे प्राइमर नहीं है, गर्मी है ना तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अच्छा,
ये कहाँ का लिया है? ये किसका है? अलिया यहाँ आइए। ये कल गुड़ आपने वहाँ जी 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 पकड़ लीजिए। क्या ओले क्रीम है भैया? ये सबसे पहले लगेगा भैया, ओले क्रीम है। हाँ दे दीजिए, ये सबसे पहले ये लगेगा।